सब्सक्राइब कीजिए ग्रह सुनाले यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सुनाले। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गार्लिक से बना हुआ एक ऐसा अमेजिंग हेयर मास्क जो आपके हेयर फॉल्स को रोककर आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए लहसुन के बारे में आपने सुना होगा और चखा भी होगा। खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा लहसुन में कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कई समस्याओं को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के अलावा हमारी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। लहसुन में माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल है। इससे आपके स्कैल्प जर्म्स और बैक्टीरिया से फ्री रहते हैं। लहसुन में विटामिन सी होता है जो बालों के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जो बालों की लंबाई को बढ़ाने में बेहद मददगार। लहसुन में जिंक, कैल्शियम और सल्फर होता है जो बालों की हेल्दी ग्रोथ में बेहद हेल्प करता है। लहसुन में सेलेनियम पाया जाता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है जिससे आपके बाल हेल्दी होते हैं और आपके स्कैल्प भी नरिश होती है। आइए अब जानते हैं लहसुन का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज, दो दालचीनी की स्टिक, दो कप पानी और 5-7 कलियां लहसुन की। अब एक पैन में 2 कप पानी डालिए। इसमें दालचीनी, लहसुन और प्याज इन सबको डालकर अच्छे से उबलने के लिए रख दें। इसे लगभग कम आंच पर 15 मिनट के लिए उबालकर आपको इसका काढ़ा तैयार करना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और इसे छान लें। अब इस पानी को अपने बालों में लगा लीजिए। इस पानी को अपने बालों की रूट से लेकर बालों के टिप तक पूरी तरह से लगा लें और आधे घंटे के लिए लगा के रखें और उसके बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। सेकेंड रेमेडी के लिए हमें गार्लिक का ऑयल तैयार करना होगा। लहसुन के तेल में सल्फर होता है जो बालों को मजबूत बनाने में बेहद हेल्पफुल है। बालों की देखभाल के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी होता है। यह कैरोटीन के लिए ब्लॉक बनाने में हेल्प करता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 कप कोकोनट ऑयल, 1 मीडियम साइज का प्याज और 10 कलियां लहसुन की। सबसे पहले लहसुन और प्याज को थोड़ा सा क्रश कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करें, इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और प्याज डाल दें और इसे कम आंच पर तब तक पकाइए जब तक लहसुन और प्याज ब्राउन ना हो जाएं। जब ये ब्राउन हो जाएं तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इस ऑयल को छान करके किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। अब इस ऑयल से अपने स्कैल्प में 10 से 15 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करें और इसे 2 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें और उसके बाद अपने बालों को रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। इन दोनों रेमेडीज को आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करें। इससे आपको इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक, साथ ही ग्रह सुनाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।